हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे प्रधान जी को नेशनल लेवल का एक अवार्ड जो पंचायत को मिला है, हम इसके लिए सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, हिमाचल सरकार का, भारत सरकार का। मेरी पत्नी की वजह से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम दोनों जो है लाल किला में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए और देखने के लिए वहां पहुंचे और इससे बहुत खुशी हमें हुई। 15 अगस्त से 15 दिन पहले मुझे एक लेटर आया कि आपको जो है लाल किले के लिए चयनित किया गया, तो मुझे मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, मेरी पंचायत के लिए बहुत गौरव की बात है, मेरी बागशोक पंचायत की जनता को ये अवार्ड मिलता है क्योंकि जनता ने हमें प्रधान बनाया, पूरी पंचायत खुश है इस, क्योंकि जिला सिरमौर से बहुत अच्छी अच्छी पंचायतें हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारी पंचायत का चयन होना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हमें बहुत खुशी है। हेलो गाइस, जय श्री राम, गर्व से कहूँ हिंदू है, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, जो आज की वीडियो होगी इतनी खूबसूरत वीडियो होगी कि हमारे हिमाचल में दो महिलाएं, दो कपल सिलेक्ट हुए। आपने सुना होगा काफ़ी न्यूज में, काफ़ी चर्चाओं में वो कपल आए। क्यों वो कपल चर्चाओं में आए, उनसे आज हम रूबरू होंगे, बातचीत भी करेंगे, उनसे नाम भी पूछेंगे, क्या वो प्रधान है और किस पंचायत में वो प्रधान है, सब कुछ उनसे बातचीत करवाएंगे। सिलेक्शन उनका कैसे हुआ वो भी हम आपसे बात कराएंगे, जो कि बागशोक पंचायत वहाँ से भी सिलेक्ट हुए थे, तो उनसे बात करवाते हैं कैसा उनकी सिलेक्शन हुई है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे। तो नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम राजेशी शर्मा है, मैं ग्राम पंचायत बागशोक की प्रधान हूँ और बागशोक पंचायत गांव की मैं रहने वाली हूँ और यहाँ जो है स्थायी निवासी भी हूँ। 10 साल में जिला परिषद मेंबर भी रही, जिला परिषद की वाइस चेयरपर्सन भी रही, पंचायती राज में मुझे लगभग 30 साल हो चुके हैं। अच्छा जी, तो मैम अपने बारे में बताइए कि काफी गौरव की बात हिमाचल को भी है और ग्राम पंचायत को भी काफी गौरव की बात है, उसके बारे में बताइए कि आपका चयन कैसे हुआ। हमें नहीं पता हमारा चयन किस माध्यम से हुआ। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय श्री सुखविंदर सुक्खू जी का, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, और माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे जल शक्ति विभाग के मंत्री हैं। मुझे जो 4 मार्च को जो है राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया और अभी जो है 15 अगस्त के लिए मुझे जो है स्पेशल इनवाइटी में हम हिमाचल प्रदेश से 2 कपल चुनेंगे, एक जिला ऊना से हरोली पंचायत से प्रधान राजकुमारी जी थी और बागशोक पंचायत से हम थे, तो हमें हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हम पूरे हिमाचल से 2 कपल को स्पेशल इनवाइटी में चुना गया और लाल किले पे हमें जाने का मौका मिला। तो मैम, आपको कुछ पता लगा कि कैसे आपका चयन हुआ, क्या आपको कैसे आपको पता लगा कि आपका चयन हुआ। मैं जल शक्ति विभाग का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे जो है जब 15 अगस्त से 15 दिन पहले मुझे एक लेटर आया कि आपको जो है लाल किले के लिए चयनित किया गया, तो मुझे मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, मेरी पंचायत के लिए बहुत गौरव की बात है, मेरी बागशोक पंचायत की जनता को ये अवार्ड मिलता है क्योंकि जनता ने हमें प्रधान बनाया और हम उस लेवल तक गए। जल शक्ति विभाग से जो मुझे मौका मिला, क्योंकि हमने अभी कुछ ही एक साल पहले जो हमारी ग्रामीण स्कीम में जो लोकल स्कीम में थी पंचायत की पीने के पानी की, उसका हमने एग्रीमेंट जल शक्ति विभाग से किया ताकि हम लोगों को सुचारू रूप से पीने का पानी दे सके। वैसे तो 90% मेरी पंचायत में हर घर जल हर घर नल है, कुछ लोग छूटे हैं जिनकी डोगरियां हैं या अलग नए मकान बनाए हैं, तो उनको भी हम बहुत जल्दी पानी से जोड़ेंगे। और पंचायत द्वारा बहुत ऐसे कार्य किए गए, जैसे हमने बहुत सारी बाउंड्रियाँ बनाई, टैंक बनाए, चेक डैम बनाए, जिससे जो है हमारे जो पानी के जो सोर्सेज थे वो जनरेट हुए, क्योंकि अभी अभी जैसे आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत आपदा आई, बहुत भारी बारिश हुई, हमारी स्कीमों में बहुत जगह नुकसान भी हुआ, लेकिन बागशोक पंचायत की जो जल शक्ति विभाग की स्कीमें हैं ये सुचारू रूप से चली। एक आध दिन बीच में बंद करनी पड़ी क्योंकि उसमें जो पानी गंदा हो चुका था, तो ये हमारे लिए बहुत, मेरे लिए तो गौरव की बात है, मेरी पंचायत के लिए गौरव की बात है कि जल शक्ति मंत्रालय ने हमें चुना। हम नहीं जानते किस तरह हमारी सिलेक्शन हुई, क्या हमारा विभाग ने हमारा अच्छा कार्य देखा या उनको क्या पंचायत मतलब
सुनने में आया कि देश के भी कुछ लोग सर्वे करने में आए थे जिसमें बागशोक पंचायत को चुना गया। तो मैम काफी गौरव की बात है बागशोक पंचायत को कि काफी प्रधान आए होंगे इससे पहले भी, और इससे पहले भी काफी सर्वे हुए होंगे, तो पहले कोई भी लेडीज या कोई भी जेंट्स नहीं चुना गया, आपको ही चुना गया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि आपको ही चुना, कितनी खुश हैं आप? मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बधाई दी। मैं खुद खुश नहीं हूँ, मेरी पूरी पंचायत खुश है इस, क्योंकि जिला सिरमौर से बहुत अच्छी अच्छी पंचायतें हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारी पंचायत का चयन होना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं बहुत खुशी है और मैं ये सारी जो श्रेय अपने पूरे स्टाफ को देती हूँ। मेरे पास स्टाफ भी बहुत अच्छा है और जो हमारे काम को आगे सुचारू रूप से करवा रहे हैं, स्टाफ भी इसमें जो है बधाई के पात्र हैं और अच्छे से काम लोगों ने किया। बोर्ड हेड की है पंचायत है और हमेशा एक नंबर पर रहती है, तो हम भी, मुझे मौका मिला है, प्रधान बनाया है जनता ने, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी पंचायत बागशो आगे बढ़े और इसका नाम पूरे देश में जाए। तो मैं कुछ लाल किले के बारे में बताइए, जब आप वहाँ गए कुछ वहाँ का एक्सपीरियंस लोगों से साझा कीजिए कि कैसा आपको लगा जब वहाँ आपको अवार्ड मिला, सम्मानित किया गया, और हमने आपकी स्पीच भी देखी, जब आपने स्पीच बहुत ही अच्छा हिमाचल को कहा, अपनी पंचायत को कहा, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, हमें लाल किले पे जाने का मौका मिला, जल शक्ति विभाग की तरफ से हमको चयनित किया गया और वहाँ डिफेंस डिपार्टमेंट जो है वहाँ, मतलब वही लोग अंदर जा सकते हैं जिनका चयन किया जाता है, तो वहाँ हमें जब राष्ट्र के उस समारोह में जाने का मौका मिला तो हमारे लिए तो बहुत गौरव की बात है कि हम 15 अगस्त में लाल किले पे हम जो है वहाँ हिमाचल के हम 5 लोग, एक ऊना का कप्पल और एक बागशोक पंचायत के हम कप्पल और एक हमारे साथ नोडल ऑफिसर राणा जी जो हमारे एक्सियन नाहन है वो गए, तो हम 5 लोगों को बहुत इज्जत मिली, बहुत सम्मान मिला और पूरी सिक्योरिटी के साथ हम वहाँ, हमारा सिटिंग प्लान था बिल्कुल लाल किले पे, हमारे लिए तो एक बहुत गौरव की बात है। मैम उस ट्वीट के बारे में बताइए, काफ़ी आपकी हमने वीडियो देखी उसमें आप स्पीच दे रहे हैं, उसके बारे में आपको, आपकी स्पीच को ही क्यों चुना गया, उसके बारे में कहेंगे आपकी ट्वीट किया आपकी स्पीच को? मैं माननीय भारत सरकार के मंत्री गजानंद शेखावत जी की बहुत धन्यवादी हूँ, जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति विभाग के वो मंत्री हैं, वहाँ हमें जो है एक एक मिनट स्टूडियो में बोलने का मौका मिला था कि सारी महिलाएं, सारे जो ग्रुप के लोग, जो देश से लोग गए थे, सबको मौका दिया गया। मैं धन्यवाद करती हूँ भारत सरकार का कि हिमाचल की एक, मैं छोटे से गांव की रहने वाली छोटी सी पंचायत की, और मेरी स्पीच को सिलेक्ट करके मंत्री जी ने पूरे देश में वो ट्वीट किया, हमें बहुत अच्छा लगा और मैं अपने हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्रालय का और मंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उस इतने बड़े राष्ट्र के प्रोग्राम में जो है हिमाचल की एक साधारण महिला की स्पीच को ट्वीट किया गया। ये और ये बागशोक पंचायत के लिए भी काफ़ी गर्व का विषय कि यहाँ की प्रधान एक वहाँ स्पीच देके आई और उसी स्पीच को चुना गया। हालांकि हिमाचल के अलग स्टेटों से, अलग डिस्ट्रिक्ट से भी काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी प्रधान आए होंगे, पर आपको ही चुना गया उस स्पीच के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं धन्यवाद करती हूँ आपका, आपके चैनल का। हिमाचल प्रदेश से तो सिर्फ 2 ही कपल चुने गए थे, बाकी और स्टेटों से लोग थे, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा इसलिए लगा कि चलो हमें इतना बोलना तो नहीं आता, लेकिन हमने अपनी पंचायत के बारे में जिक्र किया, हमने अपने जो कार्य किए हैं उनके बारे में जिक्र किया था, तो उस चीज़ को जो भारत सरकार ने, भारत सरकार मंत्रालय ने सिलेक्ट किया हमारे लिए बागशोक पंचायत के लिए, पूरे हिमाचल के लिए गौरव की बात है। पंचायत को इतना गर्व की बात है कि एक अवार्ड एक महिला लाई, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप कि आपकी जो प्रधान को एक काफ़ी अच्छा अवार्ड मिला है? ग्राम पंचायत एक महिला की बात नहीं है, ग्राम पंचायत के सौभाग्य की बात है कि ग्राम पंचायत बागशोक की प्रधान को एक स्पेशल गेस्ट के रूप में भारत सरकार द्वारा दिल्ली बुलाया गया और इनको जल शक्ति पानी पर काम करने के संदर्भ में सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए नहीं, हमारे स्टेट के लिए भी एक गर्व की बात है। और प्रधान जी का अक्सर रहता है कि इन्होंने जो भी जिस आदमी का काम पकड़ा है वो अच्छे से बखूबी निभाती हैं और सभी लोगों को न्याय, और इनका मुख्य उद्देश्य घर घर को पानी पहुँचाना है। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे मीटिंग में कि इन्होंने सभी वार्ड मेम्बरों से
जिसके पानी का नलका नहीं लगा है उनसे लिस्ट मांगी थी ताकि ये विभाग से बात कर सकें कि जो छूटे हुए लोग हैं उनको जल शक्ति के सौजन्य से पानी पहुंचाया जाए। हमारे प्रधान एक ऐसे कर्मठ प्रधान हैं जो मन में ठान लेते हैं उसको करके रखते हैं, और इसी तरह से कोई भी आदमी जैसे बरसात के समय में अभी नुकसान हुए तो घर घर जाकर इन्होंने लोगों के मौके देखे और हर तरह की जो लोगों की समस्याएं सुनती हैं और उनको निपटाने का प्रयास करती हैं। तो हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे प्रधान जी को नेशनल लेवल का एक अवार्ड जो पंचायत को मिला है, हम इसके लिए सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, हिमाचल सरकार का, भारत सरकार का, जिन्होंने हमारी पंचायत को इस अवार्ड के लिए चुना। जी नमस्कार सर। सर आपका नाम? मैं इंद्रदत्त शर्मा, पूर्व सैनिक। अच्छी, तो आपकी मिसिज को एक इतना अच्छा अवार्ड भारत सरकार की ओर से मिला, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हमें जब इस बात की सूचना मिली तो बहुत गर्व हुआ कि पूरे जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश से सिर्फ दो महिला प्रधानों को इस बार स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह में जाने का मौका मिला, और इससे हमारे जिला सिरमौर की और पछाड़ का नाम ऊंचा हुआ है। तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, आपको क्या कहना चाहेंगे? हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत गर्व महसूस हुआ। मैं जब आर्मी में था तो हम दिल्ली में भी हमने सेवा की, लेकिन लाल किला पे राष्ट्रीय प्रोग्राम में जाने का कभी मौका नहीं मिला। मेरी पत्नी की वजह से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम दोनों जो है लाल किला में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए और देखने के लिए वहाँ पहुँचे, और इससे बहुत खुशी हमें हुई, और वहाँ अवार्ड भी आपने लिया और हमें सम्मानित भी किया गया। अच्छी, और मैं हिमाचल प्रदेश सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुखू जी का और उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बागपुर पंचायत को इस सम्मान के लिए चुना।